और 5:15 बजे अभी नहा धो के आना है, फिर मिलता हूँ आपसे मैं। तो अपन नहा धो के आ गए हैं, फिलहाल जल्दी से छत पे चलते हैं और फिर मजे करते हैं। और कट हो गया थोड़ा सा यहाँ पे, तो आ चुके हैं छत पे हम। इतना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी हवा चल रही है। ओह माय गॉड, बहुत बड़ा एरोप्लेन गुजर रहा है शायद मेरी नज़रों के सामने से। और ये आपको मैं बता दूँ, बहुत बड़ा प्लेन है ये। ये देखो, ये काफ़ी बड़ा प्लेन है, आपको लग रहा होगा नॉर्मल सा, लेकिन हमें पता है कि जब मैं छत पे खड़ा हो गया। निकल गया। और आपको ये लग रहा होगा बहुत छोटा प्लेन है, मतलब नॉर्मल प्लेन है, लेकिन हम जब छत पे खड़े होकर देखते हैं तो छोटे और बड़े में फ़र्क पता चल जाता है। लेकिन वीडियो में अगर आपको शायद नहीं पता चल रहा होगा, तो ये मैं आपको बता दूँ, बहुत बड़ा प्लेन है ये। हर बार एयरलाइंस में कहीं ना कहीं यार चेंजेस हो जाती है, जैसे अभी ये यहाँ से लैंड कर रहा है, और यहाँ से कई बार जब एयरलाइंस में फिर से चेंजेस हो जाती है, मतलब ट्रैफिक चेंजेस हो जाती है, तो कई बार जैसे यहाँ से लैंड कर रहा है ये यहीं से टेक ऑफ करते हैं कई बार, और कई बार यहाँ से ये लैंड करते हैं। जहाँ तक मेरे को लग रहा है, एक हफ्ते में शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है हर एक हफ्ते में शायद ये रूल चेंज होता रहता है। कैसा लग रहे हैं है? भोजपुरी टाइप का साउंड निकला है शायद मेरे मुंह से। मैं ये कह रहा था, कैसे लग रहे हैं हम? लग रहे हैं चुलबुल पांडे? नहीं लग रहे यार? लग ही रहे होंगे यार। फिलहाल छत पे आके इतना अच्छा लगता है क्योंकि बिकॉज ऑफ लाइटिंग भी बहुत बढ़िया लगती है मुझे, क्योंकि यार नीचे मतलब एक नेचुरल लाइटिंग के आगे एक नॉर्मल ट्यूबलाइट और LED वगैरह की लाइटिंग तो फेल है, मतलब मैं मानता हूँ ऐसा। और देखो, हर वीडियो में क्लैरिटी अच्छी आती है आपके सामने, आती तो है ही है। आती है नहीं आती है? आती है, अरे आती है, बोलो ना आती है, कमेंट करके बताओ। नहीं, भोजपुरी क्यों निकल रही है मेरे मुंह से? कमेंट करके बताओ, अभी मैंने आप बोला, कमेंट करके बताओ। हाँ ये सही है, ठीक है। आज पूरा दिन इतना बेकार हुआ है ना, इतना बेकार हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकता, इतना गंदा बेकार हुआ है। सुबह मैं उठा, 6 बजे उठ गया था सुबह में, और फिर 7 बजे मैं ऊपर छत पे आया, एक्सरसाइज वगैरह करी, सब काम किया, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद यार मैं नीचे गया, गाने सुने और सो गया। सो के 1 घंटे बाद उठा, खाना खाया, दाल चावल खाई, और गलती ये हो गई कि एक्सरसाइज वगैरह ये डाइटिंग में दाल तो खा ही सकते हैं, वो भी बॉयल्ड विदाउट एनी तड़का, और विदाउट मतलब वो चावल तो बिल्कुल खा ही नहीं सकते, और चीनी नहीं खा सकते, और आलू नहीं खा सकते, मतलब अगर आपको पतला होना ना और आपका हाल भी कुछ अजीबोगरीब है, तो आपको पतला होने के लिए बॉयल्ड फूड पे ही उतरना पड़ेगा, और बॉयल्ड फूड पे उतरना पड़ेगा, और बिल्कुल ऑयली चीज़ें सब चीज़ छोड़नी पड़ेगी आपको। बाहर का तो A to Z कुछ खाना ही नहीं है, घर का खाना है रूखा सूखा पालक पनीर। डाइटिंग में भी पालक पनीर मुंह में आ रहा है, बताओ खा मखा। कच्ची सब्जी, गोभी कच्ची पड़ी है खा लो, पालक कच्चा पड़ा है खा लो, हैं पेड़ पौधे खाओ, डाइटिंग पे उतरो, हरी घास खाओ, पेड़ों पे से पत्ते उतार उतार के खाओ, तभी जाके पतले हो गए आप। जो भी है मजाक है, लेकिन फिर भी मजाक नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये मेरा ये है कि खाना खाओ, ऑयली फूड सब छोड़ना पड़ेगा, और बॉयल्ड फूड पे उतर आओ, और कीटो डाइट होती है, कीटो डाइट तो सभी को पता होगी, उस पर उतरना पड़ेगा आपको। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, चीनी छोड़नी पड़ेगी आपको, आलू छोड़ना पड़ेगा आपको, चावल छोड़ने पड़ेंगे आपको, तला हुआ सब कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको, और बस उबली हुई चीज़ें खाओ, सलाद खाओ, खीरा खाओ, टमाटर खाओ, और बस यही है फिलहाल, तो और बताऊँगा बाद में जैसे पता चलता है। पूरे दिन की मैं बात ही बताना भूल गया कि पूरा दिन ख़राब कैसे हुआ। ख़राब ऐसे हुआ, दाल चावल वगैरह खाया मैंने जो कि नहीं खाना चाहिए था, और उसके बाद फिर मैं सो गया।
आज थोड़े से चावल बचे थे, मैंने चीनी डाल के खाए थोड़े से चावल, और पूरा ही मतलब दिन अखंड मतलब चुपा हो गया मेरे साथ आज। उसके बाद भी मैं खाने के बाद सो गया, सबसे बड़ी गंदी चीज़। खाने के बाद कभी नहीं सोना चाहिए, हमेशा कम से कम 15-20 मिनट तक वॉक करो। रात को खाना छोड़ दो अगर छोड़ सकते हो तो, और रात को खाओ ही मत। मैं तो प्रेफर करता हूँ ना ही खाना, क्योंकि मैं दिन में खा लिया यार मतलब बहुत बहुत मतलब हम लोग क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी गंदी आदत यही है, खाना खाने के बाद मतलब कुछ भी काम कर लेते हैं जो कि अगर हमें नहीं करना उसके बाद पछताते हैं, फिर बोलते हैं यार हमें ये नहीं करना चाहिए था, यार हमें ये नहीं करना चाहिए था। फ़ायदा क्या है बोलने का यार, जब कर दिया तो कर दिया, अब क्या करें। लेकिन चलो ठीक है, व्लॉग भी पूरा करना है इसलिए बता भी रहा हूँ मैं आपको, व्लॉग कैसे पूरा होगा। फिर बस पूरा दिन यही सोचता रहता हूँ, भगवान कहीं ना कहीं से ऐसा कंटेंट ला दे जिससे कि व्लॉग बन जाए, यार आज का दिन वेस्ट ना जाए। तो भगवान सोचता है चल बेटे तू उठ छत पे जा, अगड़म शगड़म कुछ भी बोलता रहे अच्छा बन ही जाएगा। भगवान ने एक बात और कही मेरे से कि बेटा तेरे को शक्ल अच्छी दे दी है, तेरे को शरीर इसलिए बढ़िया नहीं दिया, अभी थोड़ा मेहनत कर उसके ऊपर काम कर, वरना तू बहुत जल्दी फेमस हो जाएगा, तेरे को मतलब दुनिया आसमान में उठा के बैठा देगी, तो इसलिए तू मेहनत कर थोड़ी, इसलिए स्ट्रगल थोड़ा लग रहा है मेरे को तो चल रहा है। बाकी आपके सामने मेहनत है यार सारी, आप जब तक आपका साथ रहेगा तब तक हमारा नाम रहेगा। अरे एक बात और याद आ गई यार, जब मैं सो रहा था तो मेरे ताऊ जी ने 3 मिस कॉल मारी। फ़ोन गंदी आदत इतनी है कि फ़ोन साइलेंट पे रहता है मेरा, अब जाके डांट खानी पड़ेगी अब। लेकिन ठीक है यार कोई बात नहीं, आप लोग के लिए डांट भी खा लेंगे, क्या कर सकते हैं अब। लेकिन आप फेमस तो कर नहीं रहे, आप डांट खिलवा रहे हो खाम खा। खुशकिस्मती की बात ये है मतलब बहुत अच्छी मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन है मुझे और आपको भी कि मुझे मतलब फॉलोअर्स अच्छे खासे मतलब अच्छे खासे कह रहा हूँ फॉलोअर्स हो गए हैं 110 के करीबन मेरे इंस्टाग्राम पे। और इन देखो ना आदमी की भूख कभी मिटती नहीं है, जैसे कि आज मेरी भूख ख़राब हो गई, और ये भूख के अलावा भी बतेरी भूख होती है, सब्सक्राइबर्स की भूख होती है। तो यार वो सब्सक्राइबर्स भी पूरे कराओ, और 1000 सब्सक्राइबर की बहुत 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 ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो क्या कर सकते हैं, बहुत ज़रूरत है यार, 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, क्योंकि YouTube वाले बोलते हैं यार मोनेटाइजेशन कहाँ से करोगे आप जब तक 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं होंगे, और 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो आप सब चने के झाड़ पे चढ़ जाओगे। तो इसलिए मेहनत करो, और आप लोग से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जल्दी कराओ यार जल्दी, अड़ोस पड़ोस अगरम शगरम दोस्त यार जिसको जिसको भेजना है भेजो, को बोलो कि बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं है, लाइक किए बगैर नहीं जाना, और वीडियो शेयर करते रहो हर जगह। अब मैं भी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, सब जगह शेयर कर देना। आज की वीडियो में कुछ खास नहीं था, बस यही थी थोड़ी बहुत कॉमेडी कर दी और थोड़ी बहुत हंसी आ गई होगी अगर आपको, तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है फिर। और बाकी थोड़ी बहुत टिप्स दे देता हूँ छोटी मोटी फिटनेस की कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। बाकी हंसते रहो मुस्कुराते रहो और सबका ख्याल रखो। टाटा बाय बाय, शुक्रिया, अलविदा, टेक केयर।